इंटक के कई नेता और कार्यकर्ता भारतीय मजदूर संघ में शामिल हो गए हैं। बीएमएस के नेताओं ने कहा कि अब कोयला मजदूरों के हित में और ताकत के साथ काम किया जाएगा। अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ के अध्यक्ष टिकेश्वर सिंह, महामंत्री एवं जेबीसीसीआई सदस्य सुधीर घुर्णे का एनसीएल मुख्यालय में भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ सिंगरौली के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में हिंद मजदूर सभा के वेलफेयर बोर्ड के सदस्य प्रयागलाल वैश्य अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ की सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे। साथ ही केंद्रीय कार्यशाला जयंत के हिंदी मजदूर संघ के सचिव जसविंदर सिंह ने भी अपने साथियों के साथ संगठन की सदस्यता ग्रहण की। ब्लॉक बी इंटेक सचिव प्रदीप कुमार वैश्य ने अपने साथियों के साथ संगठन की सदस्यता ग्रहण की। सम्मेलन में सभी ने कहा अब कोयला मजदूरों के हित के लिए और ताकत से काम किया जाएगा। मजदूर जो है ये पहले हमारा मजदूर है, कौन से संगठन में है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मजदूरों का संगठन है, मजदूर हमारे लिए सर्वोपरि है। उनको संगठित करना, कुछ भटके हुए लोगों को सही रास्ते पे लाना, सिर्फ हमारा काम जो है हम हमारे व्यक्ति के लिए या परिवार के लिए नहीं करते, तो उसके साथ समाज और देश का भला हो, ये भी उद्देश्य भारतीय मजदूर संघ का। क्योंकि आपको मालूम है कि भारतीय मजदूर स्थापना के पूर्व भी अन्य संगठन इस देश में कार्यरत थी, लेकिन सिर्फ कामगारों को रोजी रोटी मिले यही उनका उद्देश्य था। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने यह किया कि हम देश के विकास में हमारा सहयोग रहे, हम समाज के लिए देश के लिए कुछ कर सकें और रोजी रोटी के साथ साथ हमारा देश में योगदान रहे, इसलिए काम करने का जो ये भारतीय मजदूर संघ ने उनको ये किया, उनको प्रशिक्षित किया और उनको देश के साथ जोड़ा। देखिए भारतीय मजदूर संघ का तो एक बहुत अच्छा जो काल है, कार्य करने की उनका शैली है, यहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है और कर्मचारी के बीच में रहने वाली इस संगठन का नेतृत्व करते हैं, कर्मचारी का दुख सुख जानते हैं। इसलिए जो भी लोग गए थे किसी नाराजगी से गए थे, आज वापस आए हैं और बीएमएस जैसा संगठन एनसीएल में तो नहीं मिलेंगे, बाकी जगह तो हम लोग भाई नहीं गए हैं, नहीं देखे। यहाँ पे एक परिवार की तरह काम करते हैं, किसी का कोई संकट होता है, कोई दुख होता है, किसी की घड़ी मतलब वहाँ पहुँचते हैं और जो उनकी लड़ाई हक लड़के जुझारूपन दिखा के उनका हक दिलवाते हैं। इसलिए आज भारतीय बीएमएस में यहाँ पे भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ में लोग बार सम्मिलित हुए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।